मंडल साथियों, अभी 2023 में कर्नाटक में इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन में यह पाया गया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट हजारों करोड़ रुपए खर्चे किए, और यहां तक कि कुछ न्यूज ऐसे भी थे कि जिसमें बताया गया कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोल बजट डिसाइड करती है पर कैंडिडेट पर पार्टी, उससे भी ज्यादा खर्चा किया गया। 2013 के मुकाबले 2023 में 219% ज्यादा पैसे खर्चे किए गए कर्नाटक इलेक्शन में। यह मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आज भी इस देश की जो ओबीसी एससी एसटी जाति है, जो ओबीसी एसटी एससी एसटी वर्ग है, उसके लोग गरीब हैं, उसके लोग कमजोर हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे खर्चे करके इलेक्शन लड़ पाए। तो आप इसको समझिए कि जब कोटा के अंदर कोटा नहीं किया जाएगा, सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए फिक्स नहीं की जाएंगी, तो उस सीट पे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट जनरल फीमेल कैंडिडेट वहां पर लड़ पाएगी, यानी सिर्फ सवर्ण फीमेल कैंडिडेट वहां पर लड़ पाएगी क्योंकि उनके पास पैसा है। ओबीसी महिला एक भी उस जनरल सीट पर नहीं लड़ पाएगी और उसके लिए अलग से कोटा निर्धारित नहीं है। तो ये सिर्फ सत्ता का सवर्णीकरण है, इसको बचाना है। महिला आरक्षण बिल पास हो, ये हर महिला इस देश की चाहती है, लेकिन हर महिला इस देश की यह भी चाहे, और खासकर जो सवर्ण महिला है जो महिला आरक्षण बिल पर बहुत खुश हो रही है अपनी अपनी सीटें फिक्स करके, वो महिला विरोधी वो है कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी की जो महिला है उनके बारे में वो नहीं सोच रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की बात कर रही है, वो सिर्फ चाह रही है कि उनकी कुर्सी फिक्स हो जाए और उनके जो पुरुष है, जो सवर्ण पुरुष है, वो चाहते हैं कि कुछ सीटें वो और कुछ सीटें उनकी महिलाएं रख लें। और आप समझिए कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये ओबीसी जो समुदाय है, ओबीसी जो जात है, उसके लिए इससे बड़ा दिन, इससे बुरा दिन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पार्लियामेंट में, वो विधानसभाओं में पहुंच ही नहीं सकते, उनकी महिलाएं पहुंच ही नहीं सकती, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो सवर्ण पुरुष से सवर्ण महिलाओं से वो बराबरी कर सके। इस बात को समझने की जरूरत है, सत्ता के सवर्णीकरण होने से बचा लीजिए। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल साथी। महिला आरक्षण बिल पर बातचीत बहुत तेजी से हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि महिला आरक्षण बिल आखिर में किसके लिए जरूरी है। महिला आरक्षण बिल इस देश की ओबीसी, इस देश की एससी और इस देश की एसटी महिलाओं के लिए जरूरी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इसका पूरा डेटा है मेरे पास, और एक छोटा सा सैंपल मैं यहाँ पर पेश करूंगी कि आजादी के बाद से अभी तक कैबिनेट में 78 महिलाएं रही हैं पार्लियामेंट में, और उस 78 महिलाओं में 95% महिलाएं अपर कास्ट, अपर क्लास और राजघराने परिवार से आई थी और आती। और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस देश में सबसे लंबे अर्थ तक कांग्रेस की सरकार रही है, तो जायज की बात है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ही दी होगी। लेकिन उस महिलाओं में कौन सी महिलाएं थी? उस महिलाओं में अपर कास्ट, अपर क्लास और राजघराने परिवार से आई हुई महिलाएं थी। तो हमें ये पूछने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है, आखिर में घास छीलने वाली महिला का आवाज कौन सुनेगा, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब होगा? दूध बेचने वाली महिला का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब होगा? क्या एसी कंडीशनर में बैठने वाली महिलाएं उनके संघर्ष को समझ पाएंगी? आज ये पूछने की जरूरत है कि बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने वाली महिलाएं, दूसरे के खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर तोड़ने वाली महिलाएं, मजदूर की तरह काम करने वाली महिलाएं, दलित महिलाएं, एसटी महिलाओं, उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? इसलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो महिला आरक्षण बिल पर बात कर रही है, इस पर सिर्फ वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह बताना पड़ेगा
चाहे इसका कास्ट सेंसस करके बताए या किसी भी तरीके से बताए कि इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभाओं में, विधान परिषदों में कितनी परसेंट ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं हैं। आप पाएंगे कि आजादी के बाद से अभी तक मात्र 5% के अंदर भी नहीं होंगी। 95% महिलाएं, मैं फिर से कह रही हूं कि अपर कास्ट, अपर क्लास और राजघराने परिवार से आती हैं। इसलिए बीजेपी भी जान ले और कांग्रेस भी जान ले कि ओबीसी एससी एसटी को उन्हें जरूरत है। ओबीसी एससी एसटी को न तो कांग्रेस की जरूरत है और ना ही तो बीजेपी की जरूरत है। ओबीसी एससी एसटी इस देश के बहुजन समाज के लोग अपना अल्टरनेटिव पहले भी बनाए थे और अपना अल्टरनेटिव आज भी खड़ा कर लेंगे। इसलिए अपनी कब्र खोदने से पहले, पार्लियामेंट को सवर्णीकरण करने से पहले इस बात को आप जान लीजिए। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।